हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे पाइथन क्या होती है। अगर मैं किसी से पूछूं कि मुझे एयरपोर्ट का रास्ता बता दो, तो वो मुझे कुछ इंस्ट्रक्शंस देंगे, जैसे पहले सीधा जाओ, फिर लेफ्ट जाओ, फिर राइट जाओ, उसके बाद आप एयरपोर्ट पहुंच जाओगे, है ना। तो ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं। गो स्ट्रेट, टर्न लेफ्ट, गो अहेड, दीज आर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। अब अगर सेम चीज कि एयरपोर्ट किधर है, ये चीज मैं कंप्यूटर से पूछूं, तो उसको तो हमारी लैंग्वेज ही नहीं समझ आएगी, है ना। वो ना इंग्लिश समझ सकता है, ना हिंदी समझ सकता है। तो अगर मुझे कंप्यूटर से क्वेश्चन पूछना है, तो मुझे उसकी लैंग्वेज में पूछना पड़ेगा, एक कंप्यूटर की लैंग्वेज में ही पूछना पड़ेगा, ठीक है। तो कंप्यूटर को भी हम ऐसे सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं। अब इनको क्या बोलते हैं हम, कंप्यूटर प्रोग्राम्स या फिर कोड। ये देखो, अगर आपकी टीचर आपसे पूछे 2 + 3 क्या होता है, तो आपको उनकी लैंग्वेज समझ आ जाती है। उन्होंने अगर हिंदी में बोले तो आपको समझ आ जाएगा, इंग्लिश में बोले तो भी आपको समझ आ जाएगा, तो आप आंसर दे देते हो 5। बट अगर सेम क्वेश्चन हम कंप्यूटर को पूछे, व्हाट इज 2 + 3, उसको समझ ही नहीं आएगा, उसको इंग्लिश समझ ही नहीं आती, उसको सिर्फ कंप्यूटर की लैंग्वेज समझ आती है, ठीक है। तो अगर हमें कंप्यूटर से 2 + 3 करवाना है, तो हमें उसको इंस्ट्रक्शन देनी पड़ेगी कि तू 2 + 3 कर। बट हम इंग्लिश में तो दे नहीं सकते इंस्ट्रक्शंस, हमें उसको कंप्यूटर लैंग्वेज में ही इंस्ट्रक्शंस देनी पड़ेंगी, ठीक है। तो वो इंस्ट्रक्शंस जो हम कंप्यूटर को देते हैं कोई स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करवाने के लिए, उसको क्या बोलते हैं, कंप्यूटर प्रोग्राम या फिर कोड। ओके, अब जैसे ये देखो, मुझे 2 नंबर्स ऐड करवाने कंप्यूटर से, 5 और 10 ऐड करवाने, ठीक है। तो मैंने पहले एक्स में 5 स्टोर कर लिया, फिर वाई में 10 स्टोर कर लिया, ठीक है। अब मैं उसको बोलूंगी कि प्रिंट कर दो x + y की वैल्यू, मतलब 5 + 10 की वैल्यू प्रिंट कर दो, तो वो बोल देता है 15, ठीक है। अब पाइथन क्या है, पाइथन इज अ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये एक लैंग्वेज है जिससे हम कंप्यूटर से बात कर सकते हैं। ये बहुत ही इजी है लर्न करने को, और इससे हम बहुत सारे प्रोग्राम्स लिख सकते हैं। अब हम पाइथन क्यों यूज करते हैं, क्योंकि ये बहुत ही डिफरेंट प्लेटफॉर्म में चल जाती है। विंडोज पे भी चलती है, मैक पे भी चलती है, लिनक्स पे भी चलती है, ठीक है। और ये बिल्कुल सिमिलर होती है इंग्लिश लैंग्वेज जैसे, हमें ज्यादा कुछ लर्न नहीं करना पड़ता, हमें इंग्लिश के जैसे ही लगती है ये, ठीक है। पाइथन हैज सिंटैक्स दैट अलाउज डेवलपर्स टू राइट प्रोग्राम्स विद फ्यूअर लाइंस देन सम अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। मतलब हमें बहुत थोड़ी लाइंस में ही हम कोड बना सकते हैं, हमें थाउजेंड्स ऑफ लाइंस नहीं लिखनी पड़ती, थोड़ा सा छोटा सा कोड हम बना के कंप्यूटर से काम करवा सकते हैं, ठीक है। देखो, अब इंस्टॉल कैसे करना पाइथन। इंस्टॉल करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि आपके कंप्यूटर में क्या है, विंडोज है, लिनक्स है या मैक है, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है आपके कंप्यूटर पे। अब वो कैसे पता करना है, ये देखो, आप स्टार्ट में जाओ, वहां पे सेटिंग्स में जाके सिस्टम पे क्लिक करो, फिर वहां पे अबाउट में जाओ, फिर वहां पे आपको यहाँ पे शो होगा, जैसे मेरे कंप्यूटर में शो रहा है विंडोज, मतलब मेरी क्या है, विंडोज है। अगर आपके वहां पे विंडोज है तो मतलब आपकी भी विंडोज है, मैक है तो मतलब आपका मैक है, ठीक है। अब विंडोज में कैसे इंस्टॉल करनी है पाइथन, देखो ये वेबसाइट पे जाओ आप, python.org, ठीक है। वहां पे आपको ये बटन दिखेगा, डाउनलोड पाइथन, इस पे क्लिक करो। वहां पे देखो पाइथन रिलीजेस फॉर विंडोज की ऑप्शन शो होगी, उसमें आप यहाँ पे किसी भी पे क्लिक कर सकते हो, 34 बिट या फिर 32 बिट इंस्टॉलर पे, 64 या फिर 32 बिट इंस्टॉलर पे। अब ये विंडो शो होगी, आपको ये सारे टिक करने हैं और इंस्टॉल पे क्लिक करना है, ओके। आपको फिर ये विंडो दिखेगी, मतलब इंस्टॉल हो चुका है आपके कंप्यूटर में पाइथन। अब मैक में कैसे इंस्टॉल करना है, सेम स्टेप्स हैं, आपको उसी वेबसाइट पे जाना है, उसी डाउनलोड बटन पे क्लिक करना है, और फिर आपको वहां पे दिखेगा पाइथन रिलीजेस फॉर मैक OS, ठीक है। वहां जाके आपको इंस्टॉल करना है पाइथन के लिए, ये सारी ऑप्शंस टिक करके आपको इंस्टॉल कर देना है, तो आपका पाइथन इंस्टॉल हो जाएगा। अगर आपका लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो आपको कुछ ये स्टेप्स परफॉर्म करने हैं, ठीक है। इन स्टेप्स को फॉलो करके आप डाउनलोड कर सकते हैं।